हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो यार, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है यार। वीडियो पूरा अंत तक देखना है यार। मुझे पता है यार, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि यार वीडियो मतलब तीन दिन के बाद आ रहा है। तो उसके लिए यार सॉरी यार, 2-3 दिन के बाद यार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। और गाइस यार, ये जो मतलब बेस शोकेस होने वाला है, ये ओपी बेस बना था। तुम्हें मैं पूरा बताऊंगा कि अब तक मैंने ये बेस को डिफेंड किया। और गाइस यार, उसके बाद मैं सर्वर में ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा और मैं अभी सर्वर क्यों नहीं खेल रहा हूँ, उसका भी मैं पूरा रीजन बताने वाला इस वीडियो में। बस गाइस, तुम लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो पूरा अंत देखना। और गाइस, वीडियो का लाइक का टारगेट है 70 लाइक का टारगेट। आई होप यार 70 लाइक तुम वीडियो पे कर दो। और गाइस यार, जो भी नहीं हो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके अपने 1500 सब्सक्राइबर्स पे। जल्दी से जल्दी 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। और गाइस यार, जैसे यार तुम लोगों को मैंने बोला है 1300 सब्सक्राइबर्स पे तुम्हारा भाई क्यों नहीं लाएगा, तो भाई तुम्हारा भाई वादा कर रहा है ना 1300 सब्सक्राइबर्स पे क्यों नहीं लाएगा, तो भैया 1300 सब्सक्राइबर्स पे क्यों नहीं आएगा। तो चलो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, उससे पहले यार, तुम लोग यार जिन्होंने अभी तक यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जाके यार एक बार जरूर से हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस यार, जिन्होंने अभी तक मतलब इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहता है कोई यार, तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो। हे गाइस यार, जैसे यार तुम लोगों को यार मैंने पहले बताया कि आज यार तुम्हारा भाई एक बेस शोकेस करने वाला है, जो मतलब मैंने अपनी सोलो जर्नी में बनाया था। उसमें तो आपने यार थोड़ा थोड़ा लुक देखा होगा बेस का, तो भाई आज यार उसी बेस को हम शोकेस करने वाले हैं। तो उससे पहले यार तुम लोगों को मैं बता देता हूँ यार, अगर तुम लोगों को यार वीडियो पसंद आता है यार, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि सर वीडियो को बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, इसलिए लाइक तो जरूर से बनता है। और कैसे जो दूसरा बेस है, ये सिंपली मेरा बेस नहीं है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर का बेस है यार। उसको मैंने बोला था भाई मेरे साथ नहीं खेल सकता, बट उसने बोला यार तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता भाई, यार तुम्हारे सर्वर में तो खेल सकता हूँ यार तुम्हारे साथ। उसने यार ये ऐसे मतलब मेरे साइड पे बेस बना दिया। और गाइस यार, ये जो बेस था ये भी बहुत ज्यादा अच्छा बेस बना हुआ है। गाइस यार, अगर तुम लोग यार मेरी मतलब जो मैंने बेस बिल्ड करके आपको दिखाया था ना 2x2 का बंकर बेस, तो वही टाइप का इसने बेस बनाया। तो गाइस यार, ये मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। और गाइस यार, ये जो मेरा बेस है ये बेसिकली ये भी 2x2 का बंकर बेस बना है, बट गाइस यार इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया ये बेस। और गाइस यार कसम से बोल रहा हूँ, ये जो बेस मतलब डिफेंड मैंने कम से कम अगर मैं रेगुलरली इस बेस में खेलता तो इजली यार मैं मतलब कम से कम यार इजली मैं 10 दिन इस बेस में डिफेंड इजली कर सकता था। बंदों को बिल्कुल भी इस बेस पे रेड करने नहीं दे सकता। एक दो बार बंदों ने ट्राई तो किया था रेड करने का, बट यार उनको बम ही वेस्ट हुए थे। उसके बाद यार मेरे सिर्फ एक दो ही वॉल वो तोड़ पाए, उसके बाद बंदे रेड करने की कभी ट्राई नहीं किया। तो गाइस यार, ये जो बेस गिरा था यार मेरी मेंटेनेंस की वजह से गिरा था, क्योंकि सर मैं सर्वर में नहीं खेल रहा था। और गाइस यार, तभी जाके मैं मेंटेनेंस की वजह से बेस गिर गया था। तो इस बंदे ने भी लिखा था जो मतलब आपको यार मैंने स्टार्टिंग में एक बेस दिखाया था ना दूसरा बेस, उस बंदे ने यार मेरे को भी बताया था कि आपके बेस में मेंटेनेंस नहीं तो आपका बेस गिर जाएगा। बट यार मेरे को बेस की टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा काम कर रहा था 2-3 दिन से, तभी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। तो यही थोड़ी सी वजह है कि वीडियो लेट आ रही है। और गाइस यार, वो काम तो अब कंप्लीट हो चुका था। अब मैं ट्राई करूंगा रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की। तो अभी न्यू सीरीज आ रही है फिलहाल के लिए, उसको थोड़ा सा अभी मैं काम कर रहा हूँ। या तो न्यू सीरीज आएगी या तो हमारी सोलो जर्नी मतलब सोलो जो हमारी सोलो जर्नी है वो वैसे ही रहेगी। तो सबसे पहले जो बंकर बेस आप देख रहे हो डोर पर, डोर मैंने लगाए थे। तो गाइस यार मतलब कसम से बोल रहा हूँ, ये जो बंकर बेस बना था ओपी बना था। ये रहा हमारा कुछ मतलब जिसमें मैं क्लास हो रहा, यहाँ पे कुछ खास चीज़ें तो नहीं थी। ये जो मतलब खास चीज़ें मतलब ऊपर जो भी थी वो उतनी ज़्यादा मैंने खास चीज़ें नहीं रखी, जितनी भी मेरी मैन उठती वो नीचे रखी। यहाँ पर बेसिकली मेरा आर्मर पड़ रहा था, जो कि यार आयरन का आर्मर था, जो भी मैंने ऊपर रखा था वो सारा आयरन का आर्मर था। वो उसकी अभी मेरे को रेसिपी निकालनी थी, तो बेसिकली मैंने रेसिपी नहीं, जितने भी मेरे को मिले थे आर्मर यार मैंने मतलब रूम से ही वो आर्मर लिए थे, अभी तक मैंने उनकी रेसिपी नहीं निकाली। जो कि मतलब चाहे से चेस्ट दो पड़ी होंगी, बाकी चीज़ें दो पड़ी होंगी, बट यार आयरन का आर्मर की मैंने अभी तक रेसिपी नहीं निकाली। तो यह हमारा मतलब उसके बाद हमारा कैबिनेट आ रहा है। और गाइस यार, फर्नेस वाला रूम में भी मैंने कुछ नहीं रखा था। तो अभी मैं आपको लूट भी दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो गाइस यार, ये हमारा मतलब मेन जिसमें लूट पड़ी हुई थी, जितनी भी मेरी लूट थी वो मेन यहीं पे मैंने रखी थी अपनी बंकर बेस में। तो देख लो गाइस यार, बंकर मतलब ये जो हमारे वुड चेस्ट है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, मतलब स्टार्टिंग में बनाए थे जब यार मेरे पास बिल्कुल भी मतलब जब मेरे पास यार क्या बोलते हैं इनको यार
लार्ज बॉक्स, लार्ज बॉक्स या लार्ज स्टोरेज की मतलब रेसिपी नहीं थी, तब जाके यार मतलब उस टाइम पे मैंने ये बनाए थे, उसके बाद तो ये मैंने मतलब ऐसे ही रखे, क्योंकि जर मैं बाइकर बाइकर चीज़ें उनमें रख रहा था। और गाइस जर ये हमारा पहला, तो इसमें स्प्रिंग और पाइपें और भाई गियर्स पड़े थे, गियर को मैं डिसमेंटल करने वाला था। मैंने सोचा था गियर को भी डिसमेंटल कर दूँ, कुछ स्प्रिंग को भी डिसमेंटल करूँ ताकि उनसे मेरे को स्पेयर मिले। और यहाँ पे गन देख रहे हो मेरे पास SMG पड़ी हुई है दो, तो SMG एक कौन सी पड़ी है फेमस और दूसरे भाई सिंपल SMG, और उसके बाद बज्जूका पड़ी थी मेरे QBZ की भी मेरे पास रेसिपी पड़ी थी, बट मैंने अभी तक वो नहीं बनाई थी क्योंकि अभी मेरे को फिलहाल जरूरत तो नहीं पड़ रही, तो मैं ड्रॉप नहीं लूट रहा था। और गाइस यार ये वाले चेस्ट में सिंपली आप देख सकते हो एक मतलब दो तीन चीज़ें उसमें, एक क्या बोलते हैं उसको, रोलर कोस्टर कुछ भी बोलते हैं, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि भाई मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेट शूट कर रहा हूँ। और गाइस ये अब सिंपली देख रहा हूँ अभी मेरे पास हैंडमेड कितने थे, ऑल टाइम कितने थे, और भाई ये देख लो हमारे सर्फर कितने थे। तो उसके बाद आते हैं ये वाला रूम, जिसमें मैंने कुछ नहीं रखा था खास क्योंकि मैं बेकार चीज़ें यार मतलब बहुत सारी रखे बेकार चीज़ें मैं यार ऐसे वैसे डाल देता हूँ। और गाइस यहाँ पर आया कुछ हमारा चारकोल, तो चारकोल भी मतलब मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ था। और गाइस ये मतलब अगर मैं रेगुलरली सर्वर में खेलता उसके बाद मैं खेलता तो भाई मेरे पास बहुत सारी आइटमें आ जाती, बट यार मैंने नहीं खेला क्योंकि भाई मैंने बोला ना मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं थोड़ा सा बाहर गया था इसलिए यार मैं दो तीन दिन से बाहर था इसलिए यार नहीं खेल पाया, क्योंकि थोड़ा सा काम होते तुम्हारे भाई समझ लो यार कुछ कभी कभी काम आ जाता, क्योंकि सर मैं मतलब कब से यार 3-4 महीने हो गए मेरे को रेगुलर ही वीडियो अपलोड करते हो, और गाइस सर कभी तो कभी काम तो आ ही जाता है। और गाइस सर मैं यही दिखा देता हूँ तुम लोगों को बाहर से कुछ अपना बैटल ले रहे यार, जिसमें यार मैंने शॉटगन ट्रैप रखे हैं, बट ये जो शॉटगन ट्रैप है ना मैंने इनकी रेसिपी नहीं निकाली अभी तक, ये भी जितने भी शॉटगन ट्रैप है मेरे को रूम से ही मिले हैं और कुछ यार सप्लाई मतलब क्या बोलते हैं इनको, हाँ सप्लाई चेस्ट से मिले हैं। तो अंदर भी मतलब मेरे पास अभी बॉक्सेस में पड़े होंगे एक दो, शायद से एक दो थे कहीं पे मेरे पास और यार शॉटगन ट्रैप, बट अभी तक मैंने वो नहीं लगाया, अभी मैंने लगाने थे बट यार नहीं खेल पाया। तो और गाइस ये हमारा वर्क बेंच है, वर्क बेंच भी मैंने एडवांस में कर दिया। तो और उसके बाद यार आप देख सकते हो मेरे पास लूट, अभी आपने आयरन भी देखा होगा, वो हमने जो पिछले वाला बेस अपग्रेड किया था उससे भी मेरे को बहुत सारा आयरन मिला था। अभी मैंने फार्म भी किया था यार, इससे पहले एक दिन मैंने फार्म किया था, उसी की भी मेहनत। और गाइस अभी मैं थोड़ा सा विंडो बना के ले रहा था क्योंकि सर आपको मतलब जब मैंने आप मतलब जब मैं पीछे गया था उस टाइम पे आपने देखा होगा कि मतलब ऊपर मैंने मतलब विंडो नहीं लगाई थी, मैं वही मतलब जल्दी जल्दी यार वहाँ पे भी विंडो लगा देता, तब मैं अभी थोड़ा सा मेरा मूड था कि मैं इस सर्वर में खेलूँ तो, बट उसके बाद थोड़ा सा काम आ गया तो मैं सर्वर में नहीं खेल पाया। तो यार गाइस क्या कर सकते यार कभी कभी काम आ जाता है। और गाइस आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी गाइस आपने मतलब मेरे बेस के आसपास आपने देखा होगा कि मैंने वो ट्रैप जैसे लगाए, तो गाइस वो ट्रैप आप छत पे भी लगा सकते हैं, तो उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला था, बट क्या कर सकते यार टाइम ही नहीं लगा था यार उस पे भी वीडियो बनाने वाला था। कोई बात नहीं यार आप वो भी छत पे लगा सकते हैं, अगर कोई ग्लाइडर वाला बंदा आपके छत पे लैंड करता है वो सीधा मर सकता है। तो गाइस यार ये जरूर से आप मतलब टिप याद रखना, जो आपने मतलब जितने भी ट्रैप होते हैं ना भाई सब उन ट्रैप को यार आप छत पे जरूर, जो आपने देखा होगा वुडन ट्रैप होते हैं एक चीज मतलब कांटे जैसे होते हैं भैया, वो आप छत पे लगा सकते हैं। और गाइस उससे मतलब बंदा सीधा नॉक, उसका भी डैमेज बहुत ज्यादा होता है। तो गाइस मैं ऊपर से इसको अपग्रेड कर रहा था क्योंकि भाई मतलब इसके पहले एक दो दिन पहले यार बंदे ने एक तोड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए यार मैं इसको अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि अभी जो सर्वर में आप देख सकते हैं यार अभी 162 घंटे के आसपास बचे होते थे, मैंने सोचा क्यों नहीं इसको मैं अपग्रेड कर देता हूं। तो ये मेरा पूरा आयरन में अपग्रेड हो चुका था अंदर में, और इसके जो अंदर था ना डबल वॉल की प्रोटेक्शन दी थी मैंने अपने जो मेन बेस जो भी था ना जहां पे भी मेरी मेन लूट थी, मैंने ऊपर से उसको डबल ट्रिपल वॉल की प्रोटेक्शन दे दी थी। और गाइस बाहर से भी डबल ट्रिपल वॉल की प्रोटेक्शन आ जाती तो भाई जो बेस बना था ओपी बेस बना था। गाइस अगर आपको बेस पसंद आया होगा वीडियो मुझे जरूर से बताना आपको बेस कैसा लगा। तो गाइस आज के लिए इतने यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार गाइस जिनको भी वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, जो भी नहीं हो जल्दी से जल्दी यार हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। और गाइस जिन्होंने भी अभी तक हमारे भाई का डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। चलो गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भैया हमारी वीडियो देखते रहिए और मजे उठाते रहिए।